हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी सीएससी सक्सेस स्टोरीज को लेकर, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स को लेकर। और सिर्फ यही नहीं, हम सब यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी चाहिए, और सिर्फ यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड ही नहीं बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड। लेकिन आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट है। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ ये बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और चैनल तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक ये है कि IAS, IPS, IFS इनमें क्या अंतर है। तो चलिए जानते हैं क्या अंतर है। IAS, IPS, IEES, IFS अधिकारी बनने के लिए इसके प्रोसेस के बारे में बात करनी है, और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से वहाँ तक पहुँचते हैं, उस पद तक पहुँचने के लिए क्या तैयारियाँ करनी होती है, और अधिकतर लोग इनकी भूमिकाओं को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि इन अधिकारियों के काम क्या होते हैं। तो IAS और IPS का पद विशेष अधिकार वाला होता है। इन्हें लोक सेवा अधिकारियों के तौर पर जाना जाता है और ये भारतीय लोकतंत्र के ध्वज वाहक कहलाते हैं। इनकी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और इनकी सैलरी में भी बहुत अंतर होता है। यह सभी अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की ओर से आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी कि सीएससी पास करने के बाद चयनित किए जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा के टॉप रैंक हासिल करने वाले उम्मीदवारों को IAS बनाया जाता है। IAS अधिकारी संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करवाते हैं, साथ ही नई नीतियां या कानून बनाने में भी इनका अहम योगदान होता है। अब बात करते हैं IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज की। IPS अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है और IPS SP से लेकर IG, डिप्यूटी IG, DGP तक बनाए जाते हैं। IPS फियरलेस और इक्वालिटी को साथ लेकर चलते हैं। IPS सही तौर पर कानून को लागू करने का काम करते हैं। IEES यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, यह सरकार के टेक्निकल फंक्शन को देखते हैं। खास बात यह है कि अन्य अधिकारियों के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है, लेकिन IEES के लिए उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया होना आवश्यक होता है। IEES अधिकारी डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं। IFS यानी कि विदेशी मामलों को लेकर काम करने वाले अधिकारी विदेशी मंत्रालयों में ये अपनी सेवा देते हैं। एक IFS अधिकारी UPSC की परीक्षाएं क्लियर करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद ऑफिसर बनता है और डिप्लोमेसी से जुड़े मामलों में काम करते हैं और द्विपक्षीय मामलों को भी हैंडल करते हैं। तो ये है अलग अलग डिफरेंस कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन IAS, IFS, IPS एंड IEES अधिकारी। तो उम्मीद है आपको इनका डिफरेंस समझ में आया होगा और आपको जो चाहिए अब आप उसके हिसाब से और कड़ी मेहनत करेंगे। तो मिलती हूँ मैं फिर आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी JPSC परीक्षा की तैयारी को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है कंप्लीट बुक सीरीज। इसमें आपको मिलेंगी पेपर 1 और पेपर 2 की संपूर्ण गाइड बुक्स। ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार की गई हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान के लिए उपलब्ध है IAS डॉक्टर मनीष रंजन जी की झारखंड वस्तुनिष्ठ सीरीज, जिसमें है 7000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये बुक भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसके साथ ही पेपर 1 और पेपर 2 के प्रत्येक विषय पर भी हमारी किताबें उपलब्ध हैं, जिनमें है टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स। ये किताबें हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड और इनमें लास्ट ईयर सॉल्व पेपर भी आपको मिलेगा। 100% एग्जाम रेडी होने के लिए आप पढ़ सकते हैं 15 मॉडल सॉल्व पेपर्स। ये बुक इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो आज ही ऑर्डर करें Amazon, Flipkart या नज़दीकी बुक स्टोर से, क्योंकि इतनी सटीक किताबें आपको और कहीं नहीं मिलेंगी।